हे गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में नेट सिक्योर ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेट सिक्योर ऐप, अगर आपको ऐप यूज़ करनी नहीं आती है, इसके बारे में आपको जानना है तो इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से नेट सिक्योर स्मूथ प्रॉक्सी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने से पहले इसके आप रिव्यूज रेटेड देख सकते हो, 3.8 इसको स्टार मिले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3+ रेटेड है और 1 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। आपको भी डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नेट सिक्योर का लोगो और नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर आपकी ऐप है जो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपको यहाँ पर स्मार्ट कनेक्शन का ऑप्शन मिला है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे सर्वर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जिस भी सर्वर को कनेक्ट करना है, फाइनली यहाँ से आपको सर्वर सेलेक्ट कर देना है। सर्वर को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें एक ऑप्शन है जो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने पहले ऐड आ गई, इस ऐड को यहाँ से स्किप कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टैप टू कनेक्ट का, इस टैप टू कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ऑलवेज अलाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टिंग चालू हो गई है। कनेक्टिंग पूरी होने के बाद इसमें आपका VPN सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग MB और अपलोडिंग MB यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी VPN सर्वर कनेक्ट होने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो VPN सर्वर कनेक्ट हमारा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड आ गई, इस ऐड को ऐसे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है।